भी किए। सो आइए बेटे आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है। दिस इज बेटे फर्दर वी हैव अ पैरालेक्स मेथड विद अस्मिता। दिस इज द नेक्स्ट टेक्निक, पैरालेक्स मेथड बेटे। एंड दिस मेथड बेटे वी प्रोबेबली यूज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेज ऑफ द नियर बाई स्टार्स बेटे। सो वी मेक यूज ऑफ दिस पैरालेक्स मेथड बेटा। इट इज बेसिकली यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार्स बेटे। तो नियर बाई स्टार्स व्हेन वी टॉक अबाउट बेटा नियर बाई स्टार्स वी इन दिस सेंस से दैट द स्टार whose distance is to be calculated that might be less than 100 light years away from the surface of Earth. Otherwise, if it is at a larger distances, then beta, there will be problem in applying this parallax method over there, beta. Parallax method, beta, actual mein hai kya? Pehle ye samjh lijiye dhyan se. Aap apne फेस के बिल्कुल सामने अपना एक फिंगर इस तरीके से रखिए और बैकग्राउंड वॉल जो है विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड वॉल आप इसको बेटा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए अपने फिंगर को। इन द फर्स्ट इंस्टेंस आप अपने जो लेफ्ट आई है इसको क्लोज कर लीजिएगा। जैसे आपने अपने लेफ्ट आई को क्लोज किया और आप अपने फिंगर को व्यू कर रहे हो और आप बैकग्राउंड को भी साथ ही साथ कंसेंट्रेट कर रहे हो। देन आफ्टर दैट यू कवर योर राइट आई, यू विल कम टू नो दैट कि आपके जो विजन है उसमें फिंगर की पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड वॉल थोड़ी सी बदल जाती है। मैं डियर चिल्ड्रन एक बार रिपीट करूंगा, फिर से ध्यान से सुनिएगा। आप अगर अपना फिंगर नहीं यूज करना चाहते तो सिंपली एक पेन आप पकड़ लीजिए। इस पेन को आप अपने फेस से जो कैलकुलेबल डिस्टेंस है इस डिस्टेंस पे रख लीजिए। पहले अपना एक आई क्लोज कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड वॉल, इसकी पोजीशन देखो। देन दूसरा आई क्लोज कर लो और इसकी पोजीशन देखिए विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड वॉल बेटा। तो ये इसकी जो पोजीशन में आपको चेंज आएगा, चेंज नोटिस होगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड बेटा पैरालेक्स। और बेटे पैरालेक्स जब आप वर्कआउट करते हो तो पैरालेक्स वर्कआउट करते टाइम आप विद दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो दो आपके जो पॉइंट्स हैं जहां से आप अपने ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हो उनके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज कॉल्ड बेटे बेसिस। आई जस्ट मीन टू से दैट जैसे हमारे दोनों आईज हैं, पहले एक क्लोज किया फिर दूसरा क्लोज किया, इन दोनों आईज के बीच में बेटा ये वाला जो सेपरेशन है दिस वन, दिस इज कॉल्ड बेटा बेसिस बेटे। एंड सेकेंडली इमेजिन कर लीजिए ये आपका डिस्टेंट पेन था या आपका फिंगर था, तो ये दोनों फिंगर्स आपकी जो हैं, सॉरी दोनों आईज जो हैं, इन आईज ने सेंटर पे इस ऑब्जेक्ट पे, दिस इज द ऑब्जेक्ट योर पेन योर फिंगर एंड ऑल दैट, ये दोनों आईज के विद रिस्पेक्ट टू ये कितना एंगल बन गया, दिस इज कॉल्ड बेटे पैरालेक्स एंगल। डियर चिल्ड्रन फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा, आप कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट ले लो, आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो उस रूम की जो एंड वाली दीवार है उस दीवार को आप अपना रेफरेंस इमेजिन कर लीजिए, और रेफरेंस इमेजिन करने के बाद आप अपना फिंगर जो है या पेन जो है इसको ऐसे प्लेस करिए विद लेफ्ट आई क्लोज्ड एट द फर्स्ट टाइम एंड द राइट आई क्लोज्ड एट द सेकेंड टाइम। आप अपने फिंगर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, यू विल नोटिस दैट कि इट इज नॉट एट द सेम पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड वॉल, और ये जो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है दिस इज व्हाट वी कॉल एज पैरालेक्स। इसको ही पैरालेक्स कहते हैं बेटा, ये मेथड का नाम इसी से पड़ा है। सेकेंडली आपके जो दोनों आईज के बीच में सेपरेशन है दैट इज कॉल्ड बेटा बेसिस, और ये जो एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है दैट इज कॉल्ड बेटे पैरालेक्स एंगल बेटा। सो हमें पैरालेक्स एंगल जो है इसकी बहुत जरूरत रहती है जब भी हम इस कंसेप्ट के साथ डील करते हैं। सो लेट मी बेटा अगेन फोकस अपॉन द एक्चुअल सेटअप। हमारा एक्चुअल सेटअप में
पैरालेक्स मेथड हम अप्लाई कैसे करेंगे नियर बाई स्टार्स के लिए, आइए देखें बेटा। ये बेटे इमेजिन कर लीजिए आपका नियर बाई स्टार है, एन फॉर नियर बाई स्टार, और बेटे आपका ये एक मान लीजिए अर्थ का ऑर्बिट आपने बना लिया है, और अर्थ आपके सोलर सिस्टम में इस सेंट्रल पॉइंट यानी कि सन के राउंड अबाउट रिवॉल्व करती है, दिस इज वेल नोन टू यू। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमने मान लिया कि ये मोशन हो रहा है, ऑर्बिटल मोशन हो रहा है। नियर बाई स्टार को आपने सन के साथ बेटा ज्वाइन कर दिया, देन ये आपका अर्थ का पोजीशन नंबर वन है, ये आपका अर्थ का पोजीशन नंबर बेटे मान लीजिए टू है बेटा एज सच। अब आपने बेटे क्या किया, नियर बाई स्टार से अर्थ के पोजीशन वन और नियर बाई स्टार से अर्थ के पोजीशन टू, इन पॉइंट्स को बेटा विद द हेल्प ऑफ द मेयरिंग डिवाइसेस, ये एंगल्स जो हैं बेटा ये आप लोगों ने मेयर करने हैं, तो ये एंगल मेयर करने आसान नहीं होंगे। तो फॉर दैट व्हाट वी टेक ए फार ऑफ स्टार बेटा, फार ऑफ स्टार, बहुत ज्यादा दूर जो स्टार होगा बेटा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बैकग्राउंड वॉल है, तो बैकग्राउंड वॉल के विद रिस्पेक्ट टू तो आपका फिंगर का पोजीशन नहीं बदल रहा था, सो बैकग्राउंड वॉल आपका जो है दैट इज योर रेफरेंस पॉइंट बेटे, और यहाँ पे भी आपका जो रेफरेंस पॉइंट है इट विल बी योर फार ऑफ स्टार बेटा। लेट मी रीड्रॉ दिस फार ऑफ स्टार, दिस इज द फार ऑफ स्टार मीटिंग एट पॉइंट ई टू, और फार ऑफ स्टार क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है इसका बेसिकली कोई भी चेंज हमें नोटिस नहीं होगा। असल में हम ये फार ऑफ स्टार जो है, इस फार ऑफ स्टार से लाइन जो आ रही है और जो ये नियर बाई स्टार का जो डिस्टेंस है ये एस डिस्टेंस इसको बोल देता हूं बेटा मैं, ये वाला एंगल आप नोटिस कर लेते हैं और इधर से आप ये वाला एंगल नोटिस कर लेते हैं, रादर मेयरमेंट कर लेते हो, इनको थीटा वन थीटा टू आप कह सकते हो। और बेटे याद रखिए जब आप 6 मंथ्स के बाद इन दोनों पोजीशन से इस स्टार को वर्कआउट कर रहे हो, एंगल्स को वर्कआउट कर रहे हो, तो बिकॉज डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशंस हैं, आपका थीटा वन अप्रोक्सीमेटली थीटा टू के बराबर रहेगा, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा हमें। और ये डिस्टेंस को भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सन से लेकर अर्थ तक का डिस्टेंस ये बेटे आप लोगों ने कल से पहले डिस्कस कर लिया था, इसको आपने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा था, अर्थ के सन से लेकर बेटा सेंटर ऑफ द सन तक का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो डियर चिल्ड्रन दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दिस इज आल्सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब मैं सारा डायग्राम एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये नजदीक वाला स्टार है, इसका डिस्टेंस एस आपको नहीं पता, आप इस एस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, दिस इज अवर मेन कंसर्न ओवर हियर। इसके लिए आपने एक बहुत दूर स्टार ले लिया और ये नियर बाई स्टार आपका 100 लाइट ईयर से कम डिस्टेंस पे होगा, और जो बहुत दूर स्टार है उसका तो डिस्टेंस है दैट इज फार मोर देन 100 लाइट ईयर्स, और इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि उसकी पोजीशन हमें अर्थ से बदलती हुई लगती ही नहीं है। और आपने ये वाली लाइन और ये आपका जो नियर बाई स्टार है इनको जो दो लाइन ज्वाइन कर रही हैं इनके बीच में एंगल का मेयरमेंट कर लिया, और इमेजिन कर लीजिए दिस एंगल इज बेटे थीटा वन। उसके बाद आपने 6 मंथ्स तक वेट किया, आपका अर्थ ऑर्बिटल मोशन प्रेस्क्राइब करके यहाँ पे पहुंचा, आपका फार ऑफ स्टार प्रैक्टिकली नहीं बदला, आपने एंगल फिर से नोट किया एंड लेट इट बी बेटे थीटा टू। सो अब बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एक कंपस ले लूं, कंपस को मैं ओपन कर लूं इस डिस्टेंस एस के बराबर, ओपन करने के बाद मैंने नीडल को यहाँ पे रखा कंपस के एन पॉइंट पे और ऐसे एक आर्क लगा दिया E1 से लेकर E2 तक, जब मैं ऐसे आर्क लगाऊंगा तो मेरा बच्चों आर्क लेंथ जो होगा, माई आर्क लेंथ दिस इज इक्वल टू बेटा E1 और E2
ये डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा बेटा। एंड बेटे डियर चिल्ड्रन, मेरा जो रेडियस ऑफ द आर्क है दिस इज इक्वल टू एस। यहाँ फिर देखिएगा, ऐसे मैंने कंपास रखा था, ऐसे आर्क लगाया था, दिस वाज टेकन एज द रेडियस। सो डियर स्टूडेंट्स बेटा, हमारा जो एंगल है, एंगल आपने ये सेंटर पे जो टोटल एंगल है दिस इज इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू, ये आपका एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर है। आप अच्छे से जानते हैं एंगल का डेफिनेशन पुत्र होता है दिस इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। एंगल आपके पास बेटा थीटा वन प्लस थीटा टू के बराबर है, आर्क लेंथ ये आपका बेटे टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया जी, रेडियस आपके पास एस के बराबर है आर्क का, और एस विल बी इक्वल टू टू अपॉन थीटा वन प्लस थीटा टू, सो मैनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बेटा। इस तरीके से आप अपना जो इनडायरेक्ट डिस्टेंस है लाइट सॉरी नियर बाई स्टार का, आप इसको बेटे वर्कआउट कर सकते हैं। इस मेथड की बेटे एक लिमिटेशन है कि ये फार ऑफ स्टार्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका स्टार 100 लाइट ईयर से भी दूर है तो आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाओगे। रीजन इज दिस कि ये एंगल बड़े छोटे पड़ जाएंगे और एंगल को मेजर करने में जरा सी गलती अगर होती है, स्मॉल एरर जो होती है वो आपके रिजल्ट को वैसे ही खत्म ही कर देगी, बिकॉज एंगल्स आप जानते हैं बड़े छोटे छोटे एंगल्स हमारे जो हैं यहाँ पे बन जाएंगे। इन एंगल्स को मेजर करना जो है दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक केस, ए लिटिल बिट चेंज, अ लिटिल बिट माइन्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स विल मेक अवर कैलकुलेशन एज वेल एज द रिजल्ट टोटली इनकरेक्ट बेटा। सो दैट्स व्हाई वी से दैट इन द लिमिटेशन पार्ट बेटा इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली नियर बाई स्टार्स बेटे, नियर बाई स्टार्स के लिए ही एप्लीकेबल है, फार ऑफ के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, अगर सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है मुझे एक मैसेज कर दीजिए, थोड़ा सा मैं पता चल जाएगा, अदरवाइज मैं रिपीट कर दूं या फिर आगे चलूं बेटा। वेरी नाइस बेटे, बहुत बढ़िया। डियर चिल्ड्रन मैं फिर वही बात कहूंगा, आपको होगी कि सर बार बार वो कहते रहते हैं, इन चीजों को थोड़ा लिख के जरूर देखा करो बेटा, अगर आप लिख के देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड वन थिंग मोर बेटा, हाँ रिपीट कर देता हूँ बेटे कोई बात नहीं, एक बात मेरी याद रखिएगा हमेशा, इनको थोड़ा थोड़ा लिख के भी देखिए, वो तो चलो दैट्स समथिंग वेरी गुड बेटा। एक मैं ये बात कह रहा था कि कमिंग मंडे, आज मंडे है, कमिंग मंडे को जितना हमारा बेटे सैटरडे तक हो जाएगा उसमें से आपका एक गूगल फॉर्म में छोटा सा टेस्ट मैंने मैनेज कर रखा है, आप अपना प्रेपरेशन अकॉर्डिंगली करते रहना बेटा। कमिंग मंडे आई थिंक 24th हो जाएगी, उस दिन आप साथ साथ ये काम करते जाइएगा ताकि उस दिन आपका एक टेस्ट जो है वो मैनेज किया जा सके। सो डू योर वर्क अकॉर्डिंगली बेटा। अब ये मेथड मैं रिपीट कर रहा हूँ देख लीजिएगा, नियर बाई स्टार बेटा दिस इज फार ऑफ स्टार, फार ऑफ स्टार से लाइट आ रही है अर्थ की सरफेस पे आपने रिसीव कर ली, नियर बाई स्टार से आ रही है रिसीव कर ली, इन दोनों के बीच में एंगल आपने थीटा वन नोट कर लिया अपने डिवाइसेस के साथ जो भी आप यूज कर रहे हो। 6 मंथ्स के बाद आपका अर्थ यहाँ पे पहुंच गया, आपने अगेन ये एंगल थीटा टू नोट कर लिया बेटा, और ये एंगल जितना होगा ये उतना होगा, अल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल्स कहते हो आप इनको, जितना ये उतना ये है। इसका मतलब ये हो कि ये एंगल जो आपका सेंटर पे बन गया ये वाला दिस इज थीटा वन प्लस थीटा टू। बड़ा ही सिंपल केस है, आर्क कंपस एक खोलो, यहाँ पे उसका नीडल रखो और ऐसे एक आर्क लगा दो, ये आप जानते हैं आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस इज इक्वल टू दिस एंगल, आर्क का लेंथ आपका या ये इसके बराबर आ गया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल प्लस 1 एस्ट्रोनॉमिकल दिस इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, और ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू एस, और एस आपको चाहिए है, इनको टर्म्स को आपने डियर चिल्ड्रन रीअरेंज कर दिया। सो दैट्स ऑल फॉर योर दिस पैरेलेक्स मेथड बेटा। नाउ आई होप कि आप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा, लिमिटेशन इसकी यही रहती है बेटा। ओके बेटा, कि ये सिर्फ नियर बाई स्टार्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, फार ऑफ स्टार्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ये बेटा इसकी लिमिटेशन है। अब बेटी अगर फार ऑफ स्टार्स के लिए आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते तो हमें डिस्टेंसेस तो वो भी चाहिए होते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट बेटा, द डिस्टेंस ऑफ द फार ऑफ स्टार्स बेटा।
तो फार ऑफ स्टार्स के लिए बेटे हमारे पास स्टिल एन अदर टेक्निक है, और वी मेक यूज ऑफ दैट टेक्निक, दैट इज कॉल्ड अवर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड बेटे, दिस इज द नेक्स्ट मेथड। सो ये इस लिमिटेशन को ही ओवरकम करता है। सो डियर चिल्ड्रन आप लिख सकते हो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड बेटा। आइए देखें स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड क्या है और हम बेटे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड बेटा, बेटे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में नहीं, इससे पहले बेटे कोई मेथड नहीं हमने डिस्कस किया, दिस वाज अवर फर्स्ट वन। जो लिमिटेशन है आपके बेटे पैरेलेक्स मेथड की, कि आप 100 लाइट ईयर्स तक ही डिस्टेंसेस नियर बाय स्टार्स के अगर हो उनको ही मेजर कर सकते हो, तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर फार ऑफ स्टार्स बेटे। जिन स्टार्स का जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, आप उनके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड को यूज कर सकते हो। मतलब 100 लाइट ईयर से ज्यादा डिस्टेंसेस वाले स्टार्स को आप इस मेथड से बेटा वर्कआउट कर सकते हो। तो इसमें बेटे क्या है आप जरा समझ लीजिएगा पहले, मैं फिर आपको वन बाई वन और भी बात बताऊंगा। ये इमेजिन कर लीजिए एफ आपका फार ऑफ स्टार है, और ये आपका अर्थ का सरफेस है बेटा, और ये आपका बेटे कोई मान लीजिए नियर बाय स्टार है, एन इज नियर बाय स्टार, और आप यहाँ पे बैठे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपके पास एक फोटोग्राफिक प्लेट आपने हाथ में पकड़ी हुई है, दिस इज योर फोटोग्राफिक प्लेट बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट। आप फोटोग्राफिक प्लेट पर नियर बाय स्टार से लाइट रिसीव कर लेते हो। नियर बाय स्टार का तो डिस्टेंस आपने पैरेलेक्स मेथड से निकाल लिया, एंड लेट अस से दैट इट इज इक्वल टू आर वन, और नियर बाय स्टार से जो लाइट आपको मिल रही है आपकी फोटोग्राफिक प्लेट पे मिल रही है, लेट इट्स इंटेंसिटी बी आई वन। मैं फिर से पुत्र बोलूं, अगर एन आपका नजदीक वाला स्टार है, इसका डिस्टेंस आपने पैरेलेक्स मेथड से निकाल लिया और आपकी बिल्कुल कोई भी उसमें एरर नहीं आई, आपने आर वन आपका नोन डिस्टेंस हो गया, आपने अपने पास एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटीज विद इट, आपकी फोटोग्राफिक प्लेट पर इस नियर बाय स्टार से जो लाइट आ रही है इसकी इंटेंसिटी आपने आई वन के बराबर बच्चों रिकॉर्ड की, देन आपका जो फार ऑफ स्टार है इससे लाइट यहाँ पे पड़ रही है और इससे ये डिस्टेंस आर टू है, दिस इज नॉट नोन टू यू, और लेकिन जो आपके फोटोग्राफिक प्लेट पे लाइट फॉल कर रही है इसकी इंटेंसिटी पुत्र मान लीजिए आई टू के बराबर है, और आपने ये नोटिस कर ली, नोट कर ली अपने डिवाइस पे, अपने फोटोग्राफिक प्लेट पे इसको आपने बेटा नोट कर लिया है। अब आप जानते हैं इंटेंसिटी जो है बेटा दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। रिपीट करूंगा डियर चिल्ड्रन, इंटेंसिटी इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम विच डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच द लाइट इज बीइंग रिसीव्ड। सो नियर बाय स्टार के लिए पुत्र, नियर बाय स्टार अगर आप कंसिडर कर लोगे, आपका आई वन जो है इट विल बी प्रपोर्शनल टू वन अपॉन आर वन का स्केयर। इसको मैं हटा देता हूं प्रपोर्शनैलिटी साइन को, आई वन विल बी इक्वल टू के एंड वन बाई आर वन का स्केयर। आई मे कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर वन बेटे। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका फार ऑफ स्टार, इसकी आपको डिस्टेंस तो पता नहीं है लेकिन इंटेंसिटी आपने रिकॉर्ड कर ली है फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो यू कैन से दैट बेटा फार ऑफ स्टार बेटे, जो बहुत ज्यादा दूर स्टार है, इंटेंसिटी आई टू जो है इट इज आर टू के स्केयर पर इनवर्सली डिपेंडेंट है बेटा, और आपका जो आई टू है दिस इज इक्वल टू के अपॉन आर टू का बेटा स्केयर। तो ये दो बच्चों आपके पास इक्वेशंस जो हैं ये बन जाती हैं, इक्वेशन नंबर वन एज वेल एज इक्वेशन नंबर टू बेटे। अब देखिए आपको आर टू निकालना है, आप क्या करिए इस इक्वेशन नंबर वन को टू से पुत्र डिवाइड कर दीजिए। लेट मी डिवाइड इक्वेशन नंबर वन बाई इक्वेशन नंबर टू बेटे। इक्वेशन नंबर वन में था मेरे पास आई वन,
और टू में था आई टू, लेफ्ट साइड डिवाइड हो गई, दिस इज के वन अपॉन आर वन का स्केयर एंड इट इज आर टू का स्केयर अपॉन के, ये उल्टा करके मैंने लिख दिया। और आप देखेंगे के आपका कट जाएगा यहाँ पे बेटा, और अगर के आपका कैंसल आउट होता है देन वी आर लेफ्ट विद द टर्म्स जे आर टू अपॉन आर वन, ये बेटे दोनों टर्म्स का स्केयर है, मैं कंप्लीट स्केयर लिख देता हूँ, दिस इज आई वन अपॉन आई टू। तो डियर चिल्ड्रन मैं अगर स्केयर हटा दूं लेफ्ट साइड से तो उधर मुझे स्केयर रूट लगाना पड़ेगा, आर टू बाई आर वन इज स्केयर रूट ऑफ आई वन बाई आई टू, एंड बेटे डियर चिल्ड्रन आर टू इज इक्वल टू आर वन आई वन बाई आई टू। बेटा इन दिस मैनर आप अपना आर टू निकाल सकते हो, आर वन आपका बेटे ऑलरेडी नोन डिस्टेंस था बेटा। सो इन दिस वे आप बेटे इसको वर्कआउट कर सकते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड को यूज कर सकते हो। डियर चिल्ड्रन बेसिक आइडिया बड़ा ही सिंपल, एक ही चीज अपने माइंड में रखिए कि इंटेंसिटी जो है इनवर्सली स्केयर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। एक इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर दो, अपने आप आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी चलो ये तो थोड़ा बहुत आपने इनका नाम वगैरह रख के इनको डिवाइड कर देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। अंजलि यू आर अनम्यूटेड, अंजलि। यस सर। बेटा एनी डाउट सो फार? नो सर। देन रोल नंबर 13 11th थी जैकलिन। यस बेटा यू आर आल्सो अनम्यूटेड बेटे। जैकलिन बेटा, यस बेटा, यस सर। कोई प्रॉब्लम आपको मुश्किल लग रहा हो तो बताइए। क्लियर है। वेरी नाइस। मिताली सर क्लियर है बिल्कुल? यस सर। वेरी नाइस। वंश कपूर 26 रोल नंबर। ओके वेरी नाइस। सो आइए बेटे फिर मैं नेक्स्ट मेथड स्टार्ट कर लेता हूँ बेटा। इसके बाद बेटे मेरे पास नेक्स्ट मेथड है, दैट इज टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। बेटे आइए कंसंट्रेट करें, साइज ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आप हेडिंग लिख सकते हो बेटा। ये बेटे डियर चिल्ड्रन इन मेथड्स में से एक मेथड आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए, तो यू ऑल आर टू बी वेरी मच केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद दीज मेथड्स बेटा। राइट बेटे? चलिए बेटा नेक्स्ट मेथड मेरे पास है बेटा, साइज ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स बेटा। कई बार आप मून कंसिडर कर लेते हो, मून भी आपका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ही है बेटा। इसके साइज का मतलब है बेटा इसका डायामीटर। बड़ा ध्यान रखिएगा इधर एक बार डायग्राम की तरफ आप फिर से। दिस इज इमेजिन कर लीजिए मून है, और मून का ये आपका डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स हैं। आप इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। और डियर चिल्ड्रन ये आपका अपना प्लेनेट अर्थ, एंड आप अर्थ की किसी प्लेस पे यहाँ पे मान लीजिए आप प्रेजेंट हो। आपने ए पॉइंट से इस पर्टिकुलर जो आपका डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आपने लेजर मेथड से वर्कआउट कर लिया। मतलब ये आपका पोजीशन में पी बोल देता हूँ, ये डिस्टेंस आपका एस जो है दिस इज नोन डिस्टेंस आपने लेजर मेथड से किया था। और ऐसे ही ये डिस्टेंस आपका जो होगा दिस विल आल्सो बी नोन डिस्टेंस बेटा। और आपने बड़े ही ध्यान से सुनिएगा अब करना क्या है बेटा, आपने दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को बेटा बिल्कुल बिल्कुल आ सकती है बेटे, इसीलिए बेटे मैं डेरिवेशंस करवा रहा हूँ। आपको डेरिवेशंस एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, और डेरिवेशंस के साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। यू आर टू बी वेरी केयरफुल, आई विल आल्सो बी हेल्पिंग यू बाई सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दीज पर्टिकुलर डिस्टेंसेज एंड ऑल दैट, आप चिंता मत करिए। मैं बेटे ये कह रहा था कि जो मेरे पास बेटे इस केस में
एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, मून है, मून की बात कर रहे हैं, मून के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स को व्यू करने के लिए आपको बेटा टेलीस्कोप चाहिए होगा। टेलीस्कोप यूज करिए और इसके जो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स हैं इनको व्यू कर लीजिए। जब आप इनको व्यू करोगे डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे बेटा, तो आप इमेजिन कर लीजिए ए बी आपका अगर कंपस यहाँ पे रखो और ऐसे आर्क लगा दो ये, तो आपका जो ए बी है दिस इज इक्वल टू बेटे आर्क लेंथ। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक कंपस पकड़ लीजिए अपने हाथ में, इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे उसका नीडल रखा और ऐसे आपका आर्क लग गया ए से लेकर बी तक। ए बी आपका आर्क लेंथ बन गया, एस इज द डिस्टेंस ऑफ मून बेटा। और बेटे डियर चिल्ड्रन आपको ए बी ही निकालना है इस केस में, ये आपको पता नहीं था कितना है। आपने किया गया यहाँ पे एंगल थीटा जो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स से आ रही लाइट से बन रहा है, ये बेटे आपने जो है ये वर्कआउट कर लिया। और बेटे आपके मैं नॉलेज के लिए बता दूं, मून के केस में स्पेशली मून के केस में आपका एंगल थीटा 0.5 डिग्री होता है, आधा डिग्री के बराबर एंगल ये वर्कआउट किया गया है, नोटिस किया गया है बाय द इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू हैव द एंगल नोटेड बेटा। सो वंस अगेन डिस्टेंस एस आपका नोन था, आप लेजर मेथड वगैरह अप्लाई करके इस डिस्टेंस को वर्कआउट कर सकते हो। एंगल थीटा आपने बेटे नोट कर लिया, टेलीस्कोप के साथ आपने लाइट को व्यू किया, एंगल थीटा नोट कर लिया। देन एंड मून के लिए एंगल आपका 0.5 डिग्री के करीब होता है। आप अच्छे से जानते हैं एंगल दिस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस हुआ करता है बेटा। तो सिंपल केस है, वैल्यूज पुट कर दीजिए बेटा। जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो यू विल बी हैविंग दैट एंगल थीटा दिस इज इक्वल टू ए बी आर्क लेंथ आपका है, रेडियस आपको एस पता है, ए बी दिस इज इक्वल टू थीटा इंटू एस बेटा, एंगल आपने नोट कर लिया था ऑलरेडी। सो इन दिस मैनर आप बेटे अपना जो है डायामीटर ऑफ द मून इसकी बेटे जो है इसकी एस्टिमेशन कर सकते हो, इसकी जजमेंट कर सकते हो कि डायामीटर ऑफ द मून जो है ये बेटे कितना आ रहा है बेटा। सो इन दिस वे बेटा आप अपने इस मेथड को भी बेटे डियर चिल्ड्रन यूज कर सकते हो। सो दिस इज जस्ट एन अदर मेथड बेटा। सो आई होप कि इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। इसके बाद बेटे मेरे पास एक और मेथड है, कैपलर्स मेथड बेटा। लेट मी हैव द डिस्कशन ऑफ दैट मेथड आल्सो। ये तो सिंपल आपका बेटे एंगल का डेफिनेशन ही है ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं। तो बाकी जब न्यूमेरिकल में आपको करवाऊंगा एक्चुअल सेंस में, देन यू विल बी एंजॉयिंग दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स एज सच इवन मोर। सो देन बेटे मैं बात करने जा रहा था केपलर्स मेथड की। इसको बेटे हम अपने जो प्लैनेट्स होते हैं, नियर बाई प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, इनके डिस्टेंसेस को वर्कआउट करने के लिए बेटे यूज कर सकते हैं। आइए देखें केपलर्स मेथड बेटा, केपलर्स मेथड। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने लोअर क्लासेस में बेटे केपलर्स लॉ 9th में आपको शायद पढ़ाया होगा। आपने वहां पे कहा था जी स्केयर ऑफ द टाइम इज इक्वल टू क्यूब ऑफ द रेडियस, और ये उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आपका मेथड है। इसमें जरा सा पहले डायग्राम समझ लीजिए। ये इमेजिन कर लो बेटे सन है, सन के राउंड अबाउट ये एक प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, और ये आपका प्लेनेट जो है इमेजिन कर लीजिए, ये जो प्लेनेट है दिस इज बेटे हैविंग रेडियस से आर वन, दिस इज आर वन रेडियस एंड इट इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस राउंड अबाउट द सन। अगर इसका बेटे रेडियस आर वन है, आर वन इज इट्स ऑर्बिटल रेडियस बेटे, टी वन This is the time period of this planet. ये कितना time लेता है? It may be known to you, it may not be known to you. अगर आप इसकी calculation कर रहे हो इस planet के लिए, then बेटे it is not known to you. You want to calculate it. And here
you have another planet revolving around the sun in the same in the same way in the elliptical orbit, but radius elliptical orbit ka alag ho jayega. Imagine this is equal to r 2 beta. ये वाला डिस्टेंस जो सन से यहां तक है, इसको आप अपना अर्थ बोल दीजिए. अर्थ आपका अपना, अर्थ के बारे में तो सब कुछ हमें पता ही है. और अर्थ का जो टाइम पीरियड है, लेट अस कंसीडर इट टू बी T2, एंड दिस इज 365.25 डेज. दिस टाइम पीरियड इज वेल नोन टू अस टुडे. सो लेट मी वंस अगेन इंट्रोड्यूस टू यू विद द डिफरेंट पैरामीटर्स बेटा. एस आपका सन है सोलर सिस्टम में. R1 जो है, दिस इज द रेडियस, रादर ऑर्बिटल रेडियस मुझे लिखना चाहिए, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द प्लेनेट P, एंड T1 इज इट्स बेटा टाइम पीरियड. इसका टाइम पीरियड है इस प्लेनेट नंबर 1 P का. और अब आप बात कर दीजिए अर्थ की. R2, दिस इज द रेडियस, रादर ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ. और बच्चों ऑर्बिटल रेडियस इज वेल नोन टू यू, दिस इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. इट इज वेल नोन टू यू ऑलरेडी, यू नो दिस. T2 ये आपका टाइम पीरियड है अर्थ का, और ये भी आपको बेटे अच्छे से पता है कि ये 365.25 डेज के बराबर हुआ करता है. अब बेटे केपलर्स थर्ड लॉ यूज कर लीजिए. अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, आपका जो स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड है, ये क्यूब ऑफ द रेडियस के बराबर हुआ करता है. स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड इज KR³ बेटा. तो आपने पहले प्लेनेट के लिए इसको यूज कर लीजिए, T1 का स्केयर, दिस इज इक्वल टू KR1 का क्यूब. फिर आप अपने अर्थ के लिए इसको यूज कर लीजिए, दिस इज KR2 का क्यूब बेटा. अब आपको देखिए बेटे, R1 आपको नहीं पता था, R1 आप वर्कआउट करना चाहते थे, तो उस केस में आप क्या करोगे बेटा, इसको इससे डिवाइड कर दोगे, T1 का स्केयर डिवाइडेड बाई T2 का स्केयर, KR1 का क्यूब, KR2 का क्यूब बेटे. तो ये आपका बेटा जो है के कट जाएगा, एंड T1 का स्केयर अपॉन T2 का स्केयर, दिस इज R1³ अपॉन R2³ बेटे. ये चीज आपको बन गई. थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज कर लीजिएगा. ऑन रीअरेंजिंग द टर्म्स व्हाट वी कैन डू इज दैट लेट अस रीअरेंज द टर्म्स वंस अगेन बेटे. आइए मैं थोड़ा वर्कआउट कर दूं इसको. आप यहां पे कह सकते हो कि आपका R1 अपॉन R2 इसका सारे का क्यूब, दिस इज इक्वल टू बेटे T1 का स्केयर अपॉन T2 का स्केयर बेटे. आपको R1 अपॉन R2 चाहिए था, दिस इज T1 अपॉन T2. देखो दोनों का स्केयर है ना बेटा, मैं इसको बाहर लिख सकता हूं, इसका पावर 2/3 ये बन गया. इसको भी मैंने एडजस्टमेंट कर दिया. और आपका बेटे R1 जो है, दिस इज R2 इनटू T1 अपॉन T2, इसकी पावर बेटे 2/3. इस तरीके से आप R1 निकाल सकते हो. एक बात बेटे आपको थोड़ी सी मैं और गाइड कर दूं, कोशिश करिए कि इस मेथड को आप बेटे सुपीरियर प्लैनेट्स के लिए यूज करिए. यहाँ पे प्लेनेट को बाहर की तरफ लेना चाहिए था, मैंने अंदर की तरफ, अर्थ के ऑर्बिट के अंदर की तरफ लेके इसको इमेजिन किया है. इसके लिए हमारा और मेथड एक वैलिड है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट. मैं फिर से रिपीट करूं, जब भी आप ये मेथड करोगे, आप अर्थ को इधर रखिए, प्लेनेट को इधर रखिए, तो दैट विल बी वैलिड फॉर योर प्लेनेट्स विच आर बियॉन्ड द अर्थ बेटे. तो जो अर्थ से पहले हैं उनके लिए हमारा एक और मेथड है, एंड आई थिंक आज हम उसको नहीं कर नहीं पाएंगे, थोड़ा टाइम कम रह गया है. सो डियर चिल्ड्रन, ये आपका केपलर्स मेथड है, बेसिकली केपलर्स थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है. स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड क्यूब ऑफ द रेडियस के बराबर है. और बच्चों कोशिश करिए कि आपका अर्थ पहले हो, प्लेनेट जिसके बारे में आप बात करें वो बाद में हो, मतलब सुपीरियर प्लेनेट्स के लिए आप इसको यूज करें, इन्फीरियर के लिए नहीं यूज करें. यहाँ मुझे ये बनाने में थोड़ा हो गया है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली बेटे कर लेना.
सो दैट कि आप इसको सुपीरियर प्लैनेट्स के साथ अटैच करके देख सकें. सो डियर चिल्ड्रन, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, मैं रिपीट कर सकता हूँ. अदरवाइज देन आई विल बी एंडिंग द मीटिंग ओवर हियर. बेटा हरगुन, बेटा हरगुन, हरगुन ओके, गुरसिमरन, गुरसिमरन कौर, गुरसिमरन बेटा. यस सर. बेटे क्लियर है सारा? यस सर क्लियर है. ओके नाइस बेटा. सो बेटे डियर चिल्ड्रन,